हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पार्टी वेयर गाउन, लॉन्ग पार्टी वेयर गाउन लेकर आई हूँ मैं। बहुत ही स्टाइलिश एट्रैक्टिव इसका डिज़ाइन है, काफ़ी ट्रेंडी लुक के साथ हमने इसको तैयार किया है। आज मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊँगी। उससे पहले अगर आपने सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरीके से स्टाइलिश ड्रेसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। गाउन के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मूनलाइट फैब्रिक। 7 मीटर हमारा यहाँ पर फैब्रिक यूज़ होगा। 7 मीटर फैब्रिक में हम अपना गाउन तैयार करेंगे। ये फैब्रिक थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है और इसके साथ यूज़ कर रही हूँ मैं लाइनिंग के लिए सैंटोन फैब्रिक। 1.5 मीटर यहाँ पर मैंने सैंटोन फैब्रिक लिया है और 7 मीटर लिया है अपना मेन फैब्रिक। अब हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हम पहले पेपर पर करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पर। इसकी लेंथ यहाँ पर मैंने ली है 16 इंच और इसकी विड्थ ली है 11 इंच। अब यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाएंगे, 2 फोल्ड करके रखा है और उसके बाद यहाँ पर हम फोल्डेड साइड से लेंगे 7 इंच। आर्म होल लेंथ भी यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे और यहाँ पर भी हम 7 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी। इसके बाद चेस्ट की फिटिंग का लगाएंगे 9.5 इंच, कमर की फिटिंग का लगाएंगे 7.5 इंच और दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। तो यहाँ पर हमने मार्जिन का भी निशान लगा लिया है। अब आर्म होल्स के लिए यहाँ पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्म होल्स का भी यहाँ पर लगा लिया है। इसके बाद आगे की साइड हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करेंगे, 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड मिला लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी हल्का सा राउंड शेप देंगे फ्रंट आर्म होल्स को। तो यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल्स की भी यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर्स को डाउन देंगे। तो यहाँ पर दे रही हूँ मैं 0.7 इंच यानी कि 0.25 इंच यहाँ पर हम शोल्डर्स को डाउन देंगे। 0.7 इंच का निशान लगाएंगे और शोल्डर्स को डाउन देंगे। इसके बाद नेक की विड्थ ली है 3.5 इंच और बैक नेक की डीपनेस दे रही हूँ 4.5 इंच। और निशान को मिलाकर यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद राउंड शेप के लिए यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने राउंड शेप का भी मार्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने हमारा बैक पार्ट हो गया। इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर को 4 फोल्ड करके रखा है। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट रखेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको निशान लगाकर ट्रेस कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको निशान लगाकर ट्रेस कर लिया है। अब हम बिल्कुल इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने निशान लगाए हैं, बिल्कुल उन्हीं पर हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल्स के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे हम 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे।
और इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट आर्मोज को यहाँ पर इस तरीके से गोलाई देंगे, जैसे हमने बैक पार्ट पर यहाँ पर फ्रंट आर्मोज की मार्क किया था, बिल्कुल इसी तरीके से फ्रंट पार्ट पर भी हम इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे, जिस तरीके से हमने बैक पार्ट पर हमने निशान लगाए थे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेंटर का निशान लगाएंगे। सेंटर का निशान लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 3 इंच का, और यहाँ पर रखेंगे और जितनी भी नेक की डीपनेस आपको चाहिए उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ले रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच का निशान लगाने के बाद इस निशान को इस तरीके से यहाँ पर मिलाते हुए, जहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर लाकर मिलाएंगे। यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ साइड में 3 इंच का निशान लगाया, उसके बाद ऊपर से जितनी भी नेक की डीपनेस आपको लेनी है उसका निशान लगाना है, फिर इन दोनों निशान को मिला लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स कट हुए हैं। इनको हम यहाँ पर इस तरीके से खोल कर रखेंगे। ये हमारा राइट साइड और ये होगी हमारी लेफ्ट साइड। टॉप के फ्रंट पार्ट के हमारे 2 पार्ट्स कट हुए हैं, तो हम सबसे पहले अपने जो हमारा राइट साइड का पार्ट है उसको लेंगे और यहाँ पर साइड में 1.5 इंच के निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 1.5 इंच के 3 निशान लगाने हैं, 1.5 इंच की दूरी से 3 निशान लगाएंगे और यहाँ पर सेंटर तक इन निशानों को इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर तक हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। पहले 1.5 इंच के निशान लगाएंगे, फिर निशान लगाने के बाद निशान को यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे, सेंटर तक लाकर यहाँ पर इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। निशान को यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद एक्स्ट्रा पेपर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा पेपर रखेंगे नीचे की साइड और इनको इस तरीके से खोल कर रखेंगे। अब हम इसके बैक साइड पर यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, इस तरीके से ग्लू लगाएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इस दूसरे पर हम ग्लू लगाएंगे और 1 इंच का गैप देते हुए इसको भी पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम 1 इंच का गैप रखेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से 1-1 इंच का यहाँ पर गैप देंगे और इनको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम ग्लू लगाएंगे और इसको भी 1 इंच के गैप से यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 1 इंच का गैप देंगे और उसको पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से जो यहाँ पर हमने कट लगाए थे इनको हमने एक्स्ट्रा पेपर पे 1 इंच का गैप देते हुए पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सेंटर पर सेंटर का निशान लगाएंगे। दोनों साइड 1/2 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है। 4 इंच की इसकी लेंथ लेंगे टक्स की और दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगाकर जिस तरीके से हम टक्स के लिए मार्किंग करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। और यहाँ पर हम इसको कट लगाएंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेट डाल लेंगे। इस पर भी यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे और इसको भी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पेपर है इसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा है इसको भी हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉप का जो राइट साइड है ये हमारी तैयार है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने
नॉर्मल जैसे स्लीव्स के लिए हम मार्किंग करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग की है। स्लीव्स की लेंथ ली है 17 इंच और 1 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन का लिया है और इसकी विड्थ ली है 9 इंच और ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाकर स्लीव्स को शेप दी। और उसके बाद ऊपर की साइड हम 10.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच का निशान। 3 इंच पर यहाँ पर हम मार्क करेंगे और इस निशान को यहाँ पर मिला लेंगे। इस निशान को यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। सबसे पहले नॉर्मल जैसे स्लीव्स के लिए हम मार्किंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करनी है। उसके बाद ऊपर की साइड हम 10.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर वहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पर लाकर इस तरीके से मिला लेंगे और अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इनकी दोनों स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स, बैक पार्ट्स को और स्लीव्स को रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे और लाइनिंग में से भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें इनकी कटिंग करनी है। सभी पार्ट्स को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये अपना टॉप पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट है ये, राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट्स लिए हैं। इसमें से मेन फैब्रिक और लाइनिंग में से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। जैसे जैसे हमने यहाँ पर कट लगाए थे बिल्कुल उसी तरीके से मैंने मेन फैब्रिक पर भी यहाँ पर साइड में कट लगा लिए हैं। अब लाइनिंग को मेन फैब्रिक की राइट साइड पर रखेंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। गले पर यहाँ पर इस तरीके से सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से टर्न कर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद नेक पर यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर नेक पर भी सिलाई लगा ली है और इसके लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमने कट लगाए थे इन पर यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम इन कट्स को मिलाएंगे और यहाँ पर हमें 3 प्लेट्स डालनी है। हमने यहाँ पर 3 कट लगाए थे जब हमने पेपर पर कट किया था, तो इस तरीके से इन कट्स को मिलाते हुए यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 प्लेट डाल ली है। इसके बाद यहाँ पर हम इन कट को मिलाएंगे जो यहाँ पर हमने कट लगाए थे और यहाँ पर भी हम ये पिन लगा कर इसको सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना ऊपर वाला लास्ट कट को मिलाते हुए इनको इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों कट को मिलाएंगे और ये एक प्लेट डाल लेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर आगे भी एक और हम पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये प्लेट्स डाल ली है। इसके बाद मैंने ये लेफ्ट पार्ट लिया है फ्रंट का, जिसके मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पर भी हम नेक को तैयार करेंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के नेक को तैयार किया है। इस पर भी यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इस पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको पलट कर इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इस पर भी नेक पर हम सिलाई लगाएंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। हमारा लेफ्ट पार्ट भी तैयार है फ्रंट का। तो राइट और लेफ्ट हमारे यहाँ पर दोनों तैयार हो चुके हैं। इनको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इस पर सिलाई लगाकर इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। इन पिंस को निकाल लेंगे और जो हमने आगे वाली पिंस लगाई थी इनको ऐसे ही लगी रहने देंगे और बाद में निकालेंगे जो हम बैक पार्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ही मैंने बैक पार्ट लिया है जिसके मेन फैब्रिक के ऊपर हम लाइनिंग के फैब्रिक को रखेंगे राइट साइड पर। इसके बाद नेक पर भी यहाँ पर हमें इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। आधा इंच की दूरी से यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे टर्न कर।
नेक पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स लेंगे और दोनों के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। शोल्डर्स को इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाते हुए इन पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पर हम शोल्डर्स को इस तरीके से मिलाकर पकड़ेंगे और इन पर भी यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों शोल्डर्स पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम दोनों साइड फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने स्लीव्स ली है। स्लीव्स को नीचे की साइड से इस तरीके से बारीक फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको नीचे की साइड से बारीक फोल्ड कर लिया है। बारीक फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरीके से सेंटर का निशान लगाएंगे ऊपर की साइड और इस पर यहाँ पर हम प्लेस डालेंगे। सेंटर से इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेस डालनी है। इसी तरीके से यहाँ पर हम इस पर प्लेट डालेंगे। पहले एक साइड डालेंगे और फिर इसकी अपोजिट साइड डालेंगे दूसरी साइड। तो यहाँ पर हमने एक साइड डाल ली है, अब हम इसके अपोजिट साइड डालेंगे बिल्कुल इसके सामने। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ये सभी प्लेट्स डालकर इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर प्लेट्स डाल ली है। अब इन प्लेट जो हमने यहाँ पर पिन से सिक्योर की है इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और इस पर भी यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। प्लेट्स पर भी सिलाई लगाएंगे और इस पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद दूसरी स्लीव्स भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली है। ऊपर की साइड में यहाँ पर हमने प्लेट्स पर सिलाई लगाई है और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इनको टॉप पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको टॉप पर अटैच कर लिया है स्लीव्स को। इस तरीके से यहाँ पर हमारी पफी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट जो ओपन था इनको इस तरीके से पहले पिन से सिक्योर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। पिन से सिक्योर करने के बाद यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से सिलाई को पक्का करते हुए स्टार्ट करना है। और यहां पर लाकर इसको रोक देंगे। तो यहां पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है इस तरीके से। तो यहां पर हमारे जो टॉप पार्ट है वो तैयार है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, पेपर को फोर फोल्ड किया है। इस तरीके से फैब्रिक लेना है, उसको फोर फोल्ड करना है लेंथ वाइज। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे ऊपर से राउंड निशान। इसकी लेंथ यहाँ पर लेंगे, कमर के लिए लेना है हमें 11.5 इंच। ऊपर से 11.5 इंच का राउंड में निशान लगाएंगे। इसके बाद बॉटम की लेंथ लेंगे, बॉटम की लेंथ का इस तरीके से राउंड में निशान लगाना है। यहाँ पर बॉटम की लेंथ लेंगे 43 इंच। 43 इंच का निशान लगाकर सभी निशान को मिला लेंगे और हमारे जो फैब्रिक की विड्थ है वो है 57 इंच। इसी तरीके से यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को फोर फोल्ड करना है। फोर फोल्ड करने के बाद ऊपर से लगाएंगे कमर के लिए 11.5 इंच पर राउंड में निशान और लेंथ लेंगे 43। राउंड में निशान लगाने के बाद इस तरीके से दो पार्ट्स में बॉटम की कटिंग हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो हमें फ्रंट पार्ट में 6 प्लेट डालनी है और 6 प्लेट डालेंगे हम बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में भी 6 प्लेट डालेंगे और बैक पार्ट में भी। प्लेट्स की हम यहाँ पर चौड़ाई लेंगे 2 इंच। की यहाँ पर हमें इस तरीके की प्लेट्स डालनी है। 6 प्लेट्स यहाँ पर मैंने डाल ली है। यहाँ पर 6 प्लेट डालनी है।
और इन पर स्टिच कर लेंगे फैब्रिक पर डालकर, और इसी तरीके से बैक पार्ट पर भी। और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे दोनों साइड फिटिंग की सिलाई, 6 प्लेट फ्रंट और बैक में डालने के बाद, उन पर सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 6 प्लेट डाल ली हैं, ये लिया है मैंने फ्रंट पार्ट। इनकी विड्थ यहाँ पर मैंने ली है 2 इंच बॉक्स प्लेट की, और इन पर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट पर भी मैंने यहाँ पर 6 प्लेट्स ली हैं, और इस पर भी यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद दोनों साइड इस तरीके से मिलाएंगे और नीचे तक यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। नीचे तक यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। तो यहाँ पर इस पर भी हम फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट्स पर भी सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमारे 6 प्लेट्स तैयार हो चुकी हैं स्टिच कर, और इसके दोनों साइड पर भी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाकर हमने बॉटम पार्ट को तैयार कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट यहाँ पर हमारे अटैच हो चुके हैं। इस पर हमने दोनों पर प्लेट्स डालकर दोनों को फिटिंग लगाकर अटैच कर लिया है। अब हम इसको नीचे की साइड से तैयार करेंगे। तो इसके नीचे की साइड लगाने के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रिप ली है। इस तरह की स्ट्रिप आती है, इसकी चौड़ाई है 3 इंच। इसको हम बॉटम पर अटैच करेंगे। प्लास्टिक स्ट्रिप है, नॉर्मली आपको ये मिल जाएंगी कि गाउन पर बॉटम पर लगाने वाले स्ट्रिप के नाम से आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर हम राइट साइड पर स्ट्रिप को इस तरीके से रखेंगे, प्लास्टिक स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरीके से रखना है, और इस पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे गाउन पर इसी तरीके से यहाँ पर रखते हुए इस पर सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लास्टिक स्ट्रिप को नीचे की साइड यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है, और लास्ट में हमारे यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से जॉइन कर बैक साइड पर इस तरीके से टर्न करेंगे, और यहाँ पर भी हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके किनारे पर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। हाथ से इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से फैलाते हुए कि इसमें कोई भी झोल नहीं आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमें इसे अटैच करनी है। इस तरीके से पूरे पर यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाकर बॉटम पर अटैच कर लेंगे एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये करके बताई है। तो यहाँ पर हमने इसको बॉटम पर अटैच कर लिया है। पूरे गाउन के यहाँ पर बॉटम पर मैंने इसको अटैच कर लिया है। इस तरीके से हमारे गाउन का जो बॉटम है वो तैयार है। बॉटम तैयार है, अब हम इस पर टॉप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस पर टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पर इस पर सिलाई लगाकर हमने दोनों को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट अटैच हो चुका है। अब हम इस पर अपना पैच अटैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बॉटम पर इस पर प्लास्टिक स्ट्रिप अटैच की, जिससे इसके बॉटम का लुक और भी अच्छा यहाँ पर आ रहा है। अब इस पर लगाने के लिए मैंने ये पैच लिया है। पैच को हम इस पर टॉप पार्ट पर अटैच करेंगे। इस तरीके यहाँ पर ये मैंने पैच लिया है, इसको लेफ्ट साइड पर हम इस पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से इस पर रखेंगे, और यहाँ पर हम इसको फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। इसकी बैक साइड पर यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, और इसको यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से पेस्ट कर लेना है। इसकी बैक साइड पर यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लगा ली है पैच के, और नीचे की साइड यहाँ पर टॉप के अंदर की साइड मैंने पेपर रखा है, और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको पैच को पेस्ट कर लिया है, और इस तरीके से हमारा जो गाउन है वो एकदम तैयार है। और ये है हमारे गाउन का फाइनल लुक, और इसको वेयर करेंगे कैन स्कर्ट के साथ, जिसका ट्यूटोरियल भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाउन लहंगे और स्कर्ट के साथ जो वेयर करते हैं कैन स्कर्ट, उसका ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, गाउन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।